नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, जहाँ इस टाइम पे हम सब अपनी चारों दीवारों के अंदर हैं एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम घर से जितना कम बाहर निकले उतना ही अच्छा है। एज वी नो दैट प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। वेयर इन द 21st सेंचुरी एवरीवन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कैसे योगा हैज द पावर टू बूस्ट एज वेल एज हील आवर सोल। So, आज के सेगमेंट में मैं उसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हुए मैं आपको कुछ ऐसे योगा पोजेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शोकेस करने वाली हूँ, ऐसी एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी दैट यू शुड डू नाउ लाइक जब आपको कोविड नहीं है, इन ऑर्डर टू बूस्ट योर इम्यूनिटी फॉर प्रिवेंशन। एज आई सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड पोजेस यू शुड गो फॉर जब आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है एंड आप धीरे धीरे उससे रिकवर हो रहे हो। सो लेट्स जंप इन। पहले तो मैं आपको कुछ पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी। तो जब आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं एंड यू नो इट्स टाइम दैट यू वांट टू रिकवर फ्रॉम द अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, सो द फर्स्ट पोज इज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए कि आपको पहले धीरे धीरे कुर्सी पे बैठना है और खड़े होना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये काइंड ऑफ स्लो मूवमेंट एक्सरसाइज है टू गेट यू स्टार्टेड। फिर यू कैन गो फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आप लंबी लंबी सांसें लें और शुरुआत में यू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट। द नेक्स्ट वन, जिसमें आप अपने हाथ सर के पीछे रखेंगे एंड जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यू हैव टू एक्सहेल जब आप अंदर की तरफ आ रहे हैं एंड व्हेन यू ओपनिंग अप देन आपको इनहेल करना है। बोलते हैं कोविड में लंग्स पे सबसे ज्यादा असर होता है, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू। आप उल्टा लेट जाइए एंड लंबी लंबी सांसें लें एंड मेक श्योर कि आपके हाथ पीछे की तरफ। फिर द नेक्स्ट वन, जिसमें आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे, मेंटेनिंग योर ब्रीदिंग साइकिल। सिमिलरली इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाएं एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ हाथ लाएं। आप साइडवेज भी ये कंटिन्यू कर सकते हो, ऑल्सो सर्कुलर मोशन में भी ये सेम चीज विद योर ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। नाउ वन हैंड ऑन द चेस्ट एंड अदर ऑन द स्टमक, इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए एंड लास्टली थोड़े मूवमेंट को इंक्रीज करते हुए साइड मूवमेंट कीजिए, जहां इनहेल करते हुए पीछे जाए एंड एक्सहेल करते हुए वापस आए। रिपीट दिस 3 times एंड नाउ टाइम टू रिलैक्स योर अपर बॉडी। नाउ टाइम टू नो अबाउट द पोजेस जो आपको अभी से करने शुरू कर देने चाहिए टू बूस्ट योर इम्यूनिटी एज कोविड प्रिवेंशन। द फर्स्ट वन इज कोबरा पोज एंड ये पोज आप बहुत ही ईज से और टाइम लेके आराम से कीजिए। नाउ गो फॉर द कैट एंड काउ पोज। इसमें जब आप ऊपर इनहेल करते हैं तो ऊपर आते हैं, तब इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते करते नीचे आए। नाउ ये एक सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, द डाउनवर्ड डॉग, जो आपकी बॉडी की सारी मसल्स को पूरी तरीके से ओपन अप कर देता है। उसके बाद आप कर सकते हैं द गौमुख आसन। थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट है, बट उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग भी रिक्वायर्ड है, जो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को छू मंतर कर देता है, जिसमें आप अपने लेफ्ट लेग राइट लेग को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड ले जाएंगे और जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा एंड यू ट्राई टू टच योर लेफ्ट हैंड टू द राइट। अगर आपकी फिंगर्स नहीं टच हो रही है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट विल कम विद प्रैक्टिस। उसके बाद लाई डाउन एंड गो फॉर द ब्रिज पोज, लिफ्ट योर अपर बॉडी विद ईज। द नेक्स्ट वन, वेयर जहां आप कोई भी वॉल का सपोर्ट लेकर लेट जाएं एंड टेक रेस्ट अकॉर्डिंगली, जिसमें आपको अपर बॉडी विल बी एट ईज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गो फॉर द कैमल पोज, जिसमें आप अपनी एड़ियों को अपने हाथों से टच करते हो। दिस इज वन सच पोज विच इम्प्रूव्स योर पोस्चर एंड योर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी। सो ये थे कुछ पोस्ट कोविड एज वेल एज सम एक्सरसाइजेस फॉर कोविड प्रिवेंशन फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।